नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति और आज बात करते हैं एक ऐसी खोई हुई अंगूठी की जो 47 साल बाद मिली। जी हां, अमेरिका में मैसाचुसेट्स के केप कोड बीच पर हनीमून मनाने गए एक अमेरिकी दंपत्ति की कीमती अंगूठी खो गई थी। काफी खोजने के बाद भी उन्हें अंगूठी नहीं मिली और उन्हें इसका सदमा हमेशा रहा। लेकिन 47 साल बाद एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने दोनों के बीच मोहब्बत की नई ऊर्जा भर दी। जिम विर्थ केप कोड में मेटल डिटेक्टर से इलाके की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें सोने की कीमती अंगूठी मिली। जिम ने अंगूठी को साफ कराया। इस अंगूठी पर मैसाचुसेट्स कॉलेज 1969 और पैट्रिक ओहेगन लिखा था। जिम ने इंसानियत और पूरे जुनून के साथ ठान लिया कि वे इस अंगूठी के मालिक को खोज निकालेंगे। जिम का पहला पड़ाव गूगल था। खूब खोजबीन की और आखिरकार उन्हें कुछ सुराग मिल ही गए। उन्हें द बुक ऑफ केहल्स के बारे में पता चला। इस किताब को ओहेगन की पत्नी क्रिस्टीना ने लिखा था, जो कि लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहती थी। उनके पति पैट्रिक ने बताया कि उनकी अंगूठी तब खो गई थी जबकि वे डेनिस पोर्ट पर हनीमून मना रहे थे। इस किताब को पढ़ते पढ़ते जिम उस चैप्टर पर पहुंचे जहां अपने प्रेमी पैट्रिक ओहेगन के बारे में वे लिखती हैं। इस किताब को पढ़कर जिम को इस अंगूठी के असली मालिक मिल गए। जिम ने हेगन दंपत्ति को अंगूठी लौटा दी। 47 साल बाद खोई अंगूठी पाकर दंपति इतने खुश हुए कि उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे बोल उठे कि इस अंगूठी ने उन्हें फिर से एक साथ कर दिया है, मोहब्बत में खुशी को मिला दिया है।